Hi, today is 25th of May 2020. Let us have a quick discussion of today's newspaper, The Hindu. आज के पेपर में हम ये सारे टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं. First is about this travel guide. Flight and health curbs cloud airline operations. Gradually ये air जो domestic airlines हैं इनको open up किया जा रहा है, but there are certain issues. देन सेकेंड इज अबाउट COVID-19 केसेज. इंडिया अब यहाँ पे टॉप 10 में आ गया है वर्ल्ड में नंबर ऑफ कोविड केसेज में. थर्ड इज अबाउट ईद उल फितर, इसमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का हम ग्रीटिंग भी देखेंगे. देन फोर्थ इज अबाउट जियो मार्ट गोज लाइव टू टेक ऑन अमेजोन एंड फ्लिपकार्ट. विल गेट टू नो वॉट इज दिस ई कॉमर्स, ये ई कॉमर्स के कितने टाइप्स होते हैं और अभी जियो मार्ट की एंट्री से क्या यहाँ पे चेंजेस आने वाले हैं. देन फिफ्थ इज अबाउट फॉर फार्म्स एंड फार्मर्स, वेरी गुड आर्टिकल. इसमें लिखा है फार्मर्स जो हैं इनको इंडिपेंडेंट सेल्फ रिलायंट बनाना क्यों इतना ज़रूरी है. कुछ चैलेंजेस भी लिखे हैं इन्होंने जो हमारे यहाँ फार्मिंग सेक्टर उसको फेस कर रहा है. देन विल ऑल्सो सी वन क्वेश्चन एज वेल, बिकॉज सेल्फ रिलायंट इंडिया में एग्रीकल्चर सेक्टर पे काफ़ी एम्फेसाइज किया था. सेल्फ रिलायंट सीरीज में हमने इसे डिटेल में देखा था. विल ट्राई टू आंसर वन क्वेश्चन. द नीड फॉर अ मिलियन वर्क साइट्स नाउ, दिस इज अबाउट MG NREGA. हम MG NREGA समझेंगे और वो अब क्यों इतना ज़रूरी हो गया है इन द प्रेजेंट दिस माइग्रेंट एंड COVID-19 क्राइसिस में. सेवन्थ इज अबाउट हार्डली द 1991 मोमेंट फॉर एग्रीकल्चर. 1991 को हम समझते हैं LPG से. अभी सेल्फ रिलायंट इंडिया में एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स हुए हैं तो क्या ये भी उतने ही गेम चेंजर होने वाले हैं. विल गेट टू नो. देन एट्थ इज अबाउट फोर्थ एस्टेट एंड द फिफ्थ कॉलम. आज मंडे है तो आज आता है रीडर्स एडिटर. इसमें बहुत अच्छा एथिकल एंगल दिया है कि मीडिया की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. सम वेरी वेरी गुड पॉइंट्स. देन एग्रेसिव PLA फ्लाउट्स प्रोटोकॉल. ये जो चाइना है ये कंटिन्यूसली बहुत ज़्यादा यहाँ पे प्रेशर डाल रहा है और फ्लाउट कर रहा है प्रोटोकॉल को. हमें इसे बहुत अलर्ट होके देखने की ज़रूरत है. देन प्रोजेक्ट्स इन सेंसिटिव एरिया, इसमें हम बात करेंगे EIA 2020 जिसके प्रपोजल्स अभी आउट है. देन ये कुछ वैली है जैसे दिबांग, देहांग, पटकाई. देन ये गोवा में है एंड दिस इज़ लाइमस्टोन माइन इन गिर नेशनल पार्क. विल गेट टू नो. देन एफिकेसी ऑफ आयुर्वेदा, दिस इज़ हावड़ाज बॉटनिकल गार्डन. यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे ग्रेवयार्ड ऑफ ट्रीज हो गया है बिकॉज ऑफ दिस साइक्लोन अम्फन. एंड देन ये बहुत अच्छा आर्टिकल है, दिस इज़ अबाउट पी फॉर पेंडेमिक. जो स्कूल्स हैं, एजुकेशन है, इस पर हमें रीलुक करने की ज़रूरत है एंड वी हैव गॉट अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी. देन T20 रूल समझेंगे. 14th इज़ अबाउट वर्ल्ड न्यूज़ में विल टॉक अबाउट चाइना, हांगकॉन्ग, इसराइल, अफगानिस्तान, नॉर्थ कोरिया. देन 15th इज़ अबाउट डेट म्यूचुअल फंड्स. म्यूचुअल फंड्स होते हैं और उसमें भी डेट म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं विल गेट टू नो. सो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ऑल दीज टॉपिक्स एंड सम मोर इन नेक्स्ट 35 to 40 minutes. लेट अस स्टार्ट. आज के जो एसेंशियल वोकेबुलरी वर्ड्स हैं वो ये सब हैं. पहला, फर्स्ट इज दिस एथनिक. एथनिक का मतलब होता है ट्रेडिशनल है, कल्चरल है. इसका मतलब ये भी होता है ये रेशियल भी है, लाइक दिस एथनिक डाइवर्सिटी है या फिर एथनिक क्लैशेज है तो दिस इज रेशियल ऑल्सो. मार्शल, मार्शल मतलब होता है लॉ एनफोर्समेंट ऑफिसर. हम राज्यसभा टीवी देखते हैं, वहाँ पे राज्यसभा टीवी के मार्शल्स होते हैं. कई बार बसेस में भी मार्शल्स लगा दिए जाते हैं, दिस लॉ एनफोर्समेंट एंड ऑल. डेजर्टेड, डेजर्टेड मतलब एम्प्टी ऑफ पीपल. लॉकडाउन लगा और रोड्स, मॉल्स एंड दिस प्लेसेस, पब्लिक प्लेसेस सब क्या हो गए, डेजर्टेड हो गए, एम्प्टी ऑफ पीपल. ले ऑफ, आजकल बहुत ले ऑफ चल रहा है. वाई? बिकॉज ऑफ COVID-19 इकोनॉमी अच्छा नहीं कर रही है, कॉरपोरेट सेक्टर में काफ़ी ले ऑफ है. फायर्ड, स्टॉप डूइंग समथिंग. देन स्लम्प, स्लम्प का मतलब होता है फॉल होना, प्लमेट होना, नीचे ऐसे गिरना. देन सिक्स्थ इज अबाउट सिमर्स. सिमर्स मतलब वाटर बॉयल होता है, जस्ट बिलो द बॉइलिंग पॉइंट जो होता है दैट इज कॉल्ड सिमर्स. अभी सिमर्स है, टेंशन भी सिमर्स हो रहे हैं. रीइंबर्समेंट, रीइंबर्समेंट का मतलब होता है जैसे आपने कोई खर्चा किया, आप अपनी कंपनी से उसको वापस मांग रहे हो उस पैसे को, तो दिस इज रीपेमेंट ऑफ मनी दैट यू स्पेंड. कई बार हम टिकट्स कराते हैं खुद के अकाउंट से, पैसे से कराते हैं, फिर उसको हम रीइंबर्स कराते हैं, ट्रैवल भत्ता एंड ऑल, सो दैट इज कॉल्ड रीइंबर्समेंट. देन हिस्ट्री शीटर, हिस्ट्री शीटर मतलब ये जो पर्सन है इसका क्रिमिनल रिकॉर्ड है, ये हैबिचुअल है इन सब चीज़ों में, इसका एक क्रिमिनल रिकॉर्ड है, सो दैट इज कॉल्ड हिस्ट्री शीटर. वैनिश का मतलब होता है डिसअपियर होना.
पेलिएटिव मीन्स होता है अलिविएट करना, कम करना, स्मूदन करना, सूदिंग देना, दैट इज पेलिएटिव। सिम्युलेटर मतलब होता है जैसे एयरक्राफ्ट में इमिटेशन के लिए उन्हें एक्चुअल प्लेन में नहीं बैठा के वहाँ पे सिम्युलेशन कराया जाता है। गेम्स एंड ऑल में भी हम ये सिम्युलेटर यूज़ करते हैं। एबोमिनेबल का मतलब होता है हेटफुल, बहुत लोथसम है, घृणा हो रही है यहाँ पे। देन दिस इज पिटेंस, पिटेंस मतलब होता है स्मॉल इनएडिक्वेट मनी। पार्लेज, पार्लेज मतलब आप गैम्बलिंग कर रहे हो, इनिशियली आपने कुछ जीता और उसको फिर से स्टेक पे लगा दिया फर्दर बेट्स में, दैट इज़ कॉल्ड पार्ले। सो दीज आर सम वर्ड्स जो आगे पेपर में हम देखेंगे। इफ़ यू कम अक्रॉस एनी अदर इंपॉर्टेंट वर्ड, राइट डाउन दैट वर्ड अलॉन्ग विद इट्स मीनिंग इन द कमेंट सेक्शन बिलो। लेट अस स्टार्ट 25th of May 2020। ये सारे आर्टिकल्स हम देखते हैं। फर्स्ट जो है, दिस इज़ अबाउट फ्लाइट एंड हेल्थ कर्ब्स क्लाउड एयरलाइन ऑपरेशन। एयरलाइन ऑपरेशन स्लोली डोमेस्टिक ट्रैवल वापस हम ईज अप हो रहा है, ये स्टार्ट हो रहे हैं। इसमें कुछ ट्रैवल गाइड्स दिया हुआ है। इंटरनेशनल अराइवल्स एयर लैंड एंड सी में से 7 days का होम आइसोलेशन होगा, सेल्फ डिक्लेरेशन देना पड़ेगा, होम क्वारंटाइन होगा। कॉमन गाइडलाइंस हैं असिम्टमेटिक और सिम्टमेटिक दोनों के लिए आरोग्य सेतु ऐप ज़रूरी होगा। मास्क पहनना पड़ेगा और हैंड हाइजीन नेसेसरी होगा। थर्मल स्कैनिंग की जाएगी एग्जिट पॉइंट्स पे, एंट्री पॉइंट पे। सिम्टमेटिक है तो अलग स्टेप्स लेंगे, असिम्टमेटिक है तो अलग स्टेप्स लेंगे। द होल थिंग इज कि हम दिस, ये जो है एयरलाइंस रेलवेज, ये ज़्यादा टाइम तक रुक नहीं सकते हैं, इसको ओपन करना पड़ेगा। बट वी नीड टू सर्वाइव अलॉन्ग विद COVID-19, तो ये प्रिकॉशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस हेल्थ मिनिस्ट्री के नए, इन्होंने ये नॉर्म्स इशू किए हैं, स्टेट स्पेसिफिक प्रोटोकॉल है। जैसे महाराष्ट्र में देखिए नंबर ऑफ केसेस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, सो मैंडेटरी क्वारंटाइन ज़रूरी होगा। एयरलाइंस और जो पैसेंजर्स हैं, बिकॉज इतने सारे गाइडलाइंस आ रहे हैं तो ये काफ़ी कन्फ्यूजन हो रहा है कि कौन सी गाइडलाइन अपडेटेड है, किसको कैसे फॉलो करना है। क्वारंटाइन नॉर्म्स डिफर हैं अक्रॉस स्टेट्स में, महाराष्ट्र में अलग है, गुजरात में अलग है, यहाँ पे आंध्रा ने अपने अलग अनाउंसमेंट कर दिए, न्यू दिल्ली इज़ गोइंग इन डिफरेंट डायरेक्शन, तो इससे कन्फ्यूजन हो रहा है। क्वारंटाइन नॉर्म्स डिफर हैं अक्रॉस स्टेट्स। केरला मीनवाइल फ्लायर्स विल गो थर्मल स्कैनिंग, कह रहा है असिम्टमेटिक है तो 14 days का क्वारंटाइन, सिम्टमेटिक यहाँ पे देना पड़ेगा। द होल थिंग दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज वी नीड टू टेक दिस प्रॉपर प्रिकॉशन। ये जो एयरलाइंस और रेलवेज है, इससे हमें कैरियर नहीं बनना है और इस वायरस को ज़्यादा स्प्रेड नहीं करना है, उसमें कॉन्ट्रीब्यूट नहीं करना है। देन सेकेंड इज़ अबाउट COVID-19 केसेज। इंडिया नाउ इन टॉप 10। ये एक साइट है वर्डोमीटर, इसमें सी इंडिया अब 10th रैंक पे आ गया है, जस्ट बिलो टर्की। 138,1917 यहाँ पे केसेस हो गए हैं। और जो इंडिया की पॉपुलेशन है, चाइना तो पीछे हो गया है, अब इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो इन सब कंट्रीज से बहुत बहुत ज़्यादा है। और इंडिया में जिस तरीके से केसेस होंगे तो ऐसा नहीं होना चाहिए, बट ये बहुत अच्छा सिम्टम्स नहीं दिख रहे हैं ये जिस तरीके में ये आगे बढ़ रहा है। सो दिस इज़ हाईएस्ट सिंगल डे स्पाइक है। रिकवरी रेट गुड है मीनवाइल, विच इज़ अ गुड थिंग। नंबर ऑफ केसेस बढ़ने का एक रीज़न ये भी है कि टेस्टिंग कैपेसिटी रैम्प्ड अप हो गई है, ज़्यादा से ज़्यादा केसेस कर रहे हैं। नाउ आज इसमें यहाँ पे भी लिखा है, महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर ने भी कहा है कि रॉन्ग टू लिफ्ट लॉकडाउन एब्रप्टली। लॉकडाउन एक साथ हटाना ठीक नहीं होगा, जितने लोग बैठे हुए हैं वो एक साथ बाहर आ जाएंगे और ये एडमिनिस्ट्रेटिव नाइटमेयर हो जाएगा। COVID-19 को एक बहुत अच्छा फर्टाइल ग्राउंड मिल जाएगा। वी नीड टू हेल्प रिमूव दिस क्वारंटाइन स्टिग्मा। ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है, माइंडसेट चेंज करने की ज़रूरत है। क्वारंटाइन है मतलब इट इज़ नथिंग टू वरी अबाउट, और ये जो स्टिग्मा आ गया है COVID-19 से, इसको भी हमें, वी नीड टू रिमूव इट, अदरवाइज क्या हो रहा है, पीपल रिपोर्ट नहीं कर रहे हैं। सो वी नीड टू टेक केयर ऑफ दिस COVID-19 केसेस। नाउ कल हमने देखा था ईद उल फितर नमाज एट होम दिस ईयर। 24th of April से रमजान आता है, रमजान मुबारक। मंथ लॉन्ग डॉन टू सनसेट फास्टिंग होती है, फेस्टिवल ऑफ ब्रेकिंग द फास्ट होता है, उसको हम बोलते हैं ईद उल फितर। इस बार जो COVID-19 का थ्रेट है, तो ये जो सेलिब्रेशंस हैं जैसे प्रेयर्स, फेस्टिव मील, सोशल गैदरिंग, गिफ्ट गिविंग, इस सब में थोड़ा यहाँ पे हमें प्रिकॉशंस रखने की ज़रूरी थी। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने यहाँ लिखा ईद मुबारक। दिस इज़ फेस्टिवल, दिस फेस्टिवल इज़ एन एक्सप्रेशन ऑफ लव, फ्रेटर्निटी, पीस एंड हारमोनी। ईद रीअफर्म्स अवर बिलीफ इन शेयरिंग विद एंड केयरिंग फॉर द वल्नरेबल एंड नीडी। लेट अस कैरी दिस स्पिरिट ऑफ गिविंग जकत, जकत मतलब गिफ्ट देना, ऑन दिस ईद एंड फॉलो सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स टू कंटेन कोरोना वायरस स्प्रेड। नाउ ये जो कोरोना वायरस है, दैट
स्प्रेड जिस तरीके से हो रहा है तो उसमें जो गवर्नमेंट है उसकी भी सर्टेन लिमिटेशंस है। ज़्यादा जो जिम्मेदारी आ रही है वो इंडिविजुअल्स में आ रही है, सोसाइटीज़ में आ रही है, लोगों में आ रही है, कम्युनिटीज़ में आ रही है। सो कोविड-19 इज़ अ टेस्ट ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी का टेस्ट हो गया ये, ऑफ गवर्नमेंट्स, ऑफ कम्युनिटीज़ एंड ऑफ इंडिविजुअल लेवल पे। नाउ इज़ द टाइम फॉर सॉलिडेरिटी दिखाने का टाइम है, कोऑपरेशन का टाइम है, टू टेकल द वायरस एंड टू मिटिगेट द इफेक्ट्स ऑफ एन unintended and measure designed to halt the spread of virus. So what are your understanding? Because हम देखते हैं कि collective efforts जो होते हैं वो ही pay करते हैं. So we need to do certain things. और president भी हमारे यहाँ बोल रहे हैं कि this is the time कि हम collective ownership लें to defeat this COVID-19. So what are your understanding? Say it in 100 words. Individual responsibility पे हमें emphasize करना है, ये collective responsibility पे हमें emphasize करना है और हमें COVID-19 को डिफीट करना है। सो दिस इज द थर्ड न्यूज आइटम। देन दिस इज पेज नंबर 1। देन यहाँ पे 18 इन द लॉकडाउन, ये बहुत सारे बच्चे 18 ईयर्स के हो रहे हैं, एडल्ट बन रहे हैं, बट लॉकडाउन है, सो 18 इन द लॉकडाउन। देन फेस्टिवल विदाउट फेस्टिविटीज है ये बिकॉज ऑफ COVID-19। DU ने लॉन्च किया है ई प्लेटफॉर्म फॉर लर्निंग। यहाँ पे रिवाइवल इकोनॉमी, रिवाइवल प्लान वी आर टॉकिंग अबाउट। नाउ दिस इज़ ई कॉमर्स। जियो मार्ट गोज लाइव टू टेक ऑन अमेजॉन एंड फ्लिपकार्ट। ये अमेजॉन और फ्लिपकार्ट ये क्या है? ये ई कॉमर्स कंपनी है। इन पे अक्सर क्वेश्चंस भी उठे हैं कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया एंड ऑल ने कि ये मोनोपोली करते हैं और अनफेयर प्रैक्टिसेस रहती है इनकी। ई कॉमर्स का मतलब क्या होता है? एक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिकली बाइंग और सेलिंग ऑफ प्रोडक्ट्स ओवर द इंटरनेट। जैसे पहले बुक सेलिंग से स्टार्ट किया था अमेजॉन एंड दिस फ्लिपकार्ट ने, तो इंटरनेट के थ्रू ये उसके ऊपर सेल और परचेज हो रही है। यहाँ पे इंडिया में ये आईटी एक्ट 2000 के अंदर इसको रखा गया है, ये गवर्नेंस होती है इसमें। ई कॉमर्स का बहुत वाइडर इंटरप्रिटेशन हो सकता है। ऑनलाइन गुड्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन सर्विसेज हैं, डिजिटल डिस्ट्रीब्यूशन, ई बुक्स, सॉफ्टवेयर, स्ट्रीमिंग, कुछ भी हो सकता है। रिटेल सर्विसेज भी होती है, इसमें जियो मार्ट आने का ट्राई कर रहा है। देन मार्केट प्लेस सर्विसेज हैं, एडवर्टाइजमेंट, सोशल कॉमर्स एट्सेट्रा, वॉलेट, मोबाइल कॉमर्स है, कस्टमर सर्विसेज है, ई प्रोक्योरमेंट है, परचेज टू पे। द आइडिया इज ई कॉमर्स कुड बी एनीथिंग। कॉमर्स मतलब व्यापार हो रहा है, व्यापार किसी भी चीज़ में हो रहा है, रिटेल में, मार्केट प्लेस में, मोबाइल, कस्टमर, ई प्रोक्योरमेंट, परचेज टू पे, और वो व्यापार हो रहा है ओवर इंटरनेट। ये एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है और इसमें अभी जियो मार्ट ने एंटर किया है। ये अटेम्प्ट है टू टेक ऑन राइवल अमेजोन एंड फ्लिपकार्ट। ऑनलाइन ऑफलाइन मॉडल है यहाँ पे, दोनों का बैलेंस। देन इस पे जब बात आती है वो ये आती है कि जैसे फेसबुक है, फेसबुक के पास व्हाट्सएप भी है, फेसबुक के पास इंस्टाग्राम भी है, दोनों फेसबुक ओन है। जियो की भी यहाँ पे काइंड ऑफ मोनोपोली है। तो अगर ये जो डील हो रहा है तो उससे CCI एंड ऑल, ये फेयर कॉम्पिटिशन कैसे यहाँ पे इंश्योर होगा? देर आर सर्टेन मेनी अदर थिंग्स विच वी नीड टू सी। हम इसको ऑनगोइंग आर्टिकल है, विल अगेन रीविजिट और न्यूज़ अपडेट्स के लेते रहेंगे। यू नीड टू अंडरस्टैंड वॉट इज़ ई कॉमर्स और ये क्यों ज़रूरी है, क्यों इम्पॉर्टेंट हो रहा है, किस डायरेक्शन में हम मूव हो रहे हैं। देन दिस इज़ पेज नंबर 5। ये है एडिटोरियल, ये बहुत अच्छा एडिटोरियल है, फॉर फार्म्स एंड फार्मर्स। फार्म्स एंड फार्मर्स, हमें सपोर्ट करने की ज़रूरत है किसानों को। एक तरीका होता है इनकम सपोर्ट दें, जैसे कि PM किसान योजना है, 6,000 रुपये दे रहे हैं 2,000, 2,000, 2,000, 3 इंस्टॉलमेंट में। छत्तीसगढ़ में किसान न्याय योजना लेके आए हैं, तो एक है मॉनेटरी, आपने उनकी वन टाइम हेल्प कर दिया। दूसरा और अच्छा हेल्प होता है कि आप उनको सेल्फ रिलायंट बनाओ, रिफॉर्म्स लाओ मार्केट में, फार्मिंग में, एग्रीकल्चर में, ताकि उनको हेल्प की ज़रूरत नहीं हो, वो इंडिपेंडेंट हो जाएं। तो ये जो हेल्प होती है ये लॉन्ग लास्टिंग होती है, सस्टेनेबल होती है। इंडिया मीनवाइल एक्सटेंसिव मिनिमम सपोर्ट प्रोग्राम रखता है। MSP हमने पढ़ा था, एक मिनिमम प्राइस मिलेगी फार्मर्स को उनके प्रोडक्शन की, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की। वर्क इन कॉम्बिनेशन विद दिस PDS पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ये दोनों टैंडम में चलते हैं, तो इससे थोड़ा रिलीफ है, बट दैट इज़ नॉट सफिशिएंट। एफिशिएंसी नॉट यूनिफॉर्म है अक्रॉस द कंट्री। कुछ स्टेट्स में PDS बहुत अच्छा है, कुछ जगह पे है नहीं। दो फूड इज़ अ यूनिवर्सल नेसेसिटी, वेरी गुड लाइन। दो फूड इज़ अ यूनिवर्सल नेसेसिटी, दोज हु प्रोड्यूस इट लैंग्विश एट द बॉटम ऑफ द इकोनॉमिक पिरामिड। ये सफ़र कर रहे हैं एट द बॉटम ऑफ इकोनॉमिक पिरामिड जो उसको प्रोड्यूस कर रहे हैं। दो फूड इज़ अ यूनिवर्सल नेसेसिटी, दोज हु प्रोड्यूस इट लैंग्विश एट द बॉटम ऑफ द इकोनॉमिक पिरामिड। तो दैट इज़ वाई वी नीड सर्टेन स्टेप्स। इनकम सपोर्ट स्कीम्स हैं ये जैसे स्कीम ये वाली है, प्रधानमंत्री किसान योजना या न्याय योजना। बेसिकली ये स्कीम टारगेट करती है लैंड ओनर्स को, और इससे जो टेनेंट्स है, मतलब जिनकी खुद की ज़मीन नहीं है, वो वहाँ पे
किराए से ज़मीन पे लेके या फिर कॉन्ट्रैक्ट से ज़मीन लेके वहाँ पे काम कर रहे हैं, टेनेंट्स हैं या लेबरर्स हैं, उनको कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं हुआ यहाँ पे। यहाँ पे तो केवल ज़मीन के मालिक को हुआ। प्लस इंटरवेंशंस जो यहाँ पे लाने की ज़रूरत है वो पेलिएटिव है एंड डू नॉट एड्रेस अंडरलाइंग प्रॉब्लम। ये दर्द कम कर रहे हैं बट जो रूट कॉज है ना उसको हटा नहीं रहे हैं। प्रॉब्लम जो बीमारी है वो सॉल्यूशन नहीं हो रहा है। नॉन रेम्यूनरेटिव नेचर ऑफ फार्मिंग इज़ द मेन प्रॉब्लम और इसको हमें एड्रेस करने की ज़रूरत है। क्लास 9 NCERT, क्लास 10 NCERT, इंडिया ईयर बुक, एग्रीकल्चर बहुत अच्छे से हमने देखा है। इवन सेल्फ रिलायंट इंडिया सीरीज़ में भी एग्रीकल्चर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल एग्जामिनेशन एंड जनरल अंडरस्टैंडिंग, बिकॉज 50% जनता हमारी एग्रीकल्चर में काम करती है। तो जो सॉल्यूशन जो है वो है मोर मार्केट ड्रिवन अप्रोच लेनी चाहिए यहाँ पे। एक और प्रॉब्लम है, सप्लाई चेन जो होती है हमारी वो डिपेंडेंट हो गई है फूड सिक्योरिटी। फूड सिक्योरिटी है हमारे पास बट वो डिपेंडेंट है सप्लाई चेन में। सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन हुआ, फूड सिक्योरिटी में प्रॉब्लम हो जाएगी। पैंडेमिक और डिस्टर्बेंसेस में अभी हमने ये फेस किया है तो हम वल्नरेबल हैं अभी फूड सिक्योरिटी में भी। प्री एग्जिस्टिंग मॉर्बिडिटी है, मॉर्बिडिटी मतलब पहले से ये कमजोरियाँ हैं, जैसे कि वेरी वेरी गुड लाइन्स, मैसी लैंड है, मैसी लैंड रिकॉर्ड्स है, लैंड रिकॉर्ड्स अभी तक डिजिटाइज नहीं हो पाए हैं, भू पोर्टल एंड ऑल हमने पढ़ा था। देन अनसाइंटिफिक एंड अनसस्टेनेबल क्रॉप पैटर्न है, ये साइंटिफिक वे से नहीं हो रहा है तो एफिशिएंसी नहीं आती है। मार्केट लिंकेजेस नहीं है, पुअर और फार्मर्स वल्नरेबल हो जाते हैं टू एक्सप्लॉयटेशन बाय ऑफिशियल्स, और मिडिल मैन जो होता है वो इनका एक्सप्लॉयटेशन करता है। इनएडिक्वेट इरिगेशन है, पानी नहीं होता है। पानी हमने पढ़ा था मैक्सिमम जो है हमारे यहाँ एग्रीकल्चर वो रेन फेड एग्रीकल्चर है और मानसून पे डिपेंडेंट है। मानसून लेट हुआ, स्टॉप हुआ, डिले हुआ, सफिशिएंट नहीं हुआ, एग्रीकल्चर फेल हो जाता है। एडॉप्शन टू टेक्नोलॉजी हम लोग एम्फेसाइज नहीं कर रहे हैं। कॉन्फ्लिक्ट है विद वाइल्ड एनिमल्स, अक्सर वाइल्ड एनिमल्स नील गाय एंड ऑल आ जाती है। देन चेंजिंग वेदर एंड क्लाइमेट पैटर्न इज ऑल्सो वन थिंग, जैसे अभी लॉक्यूस्ट अटैक आ गया। सो MSP करेंट ईयर के लिए सरकार देती है उसका अनाउंसमेंट जल्दी होना चाहिए ताकि इनको एक थोड़ा सेल्फ ऑफ यहाँ पे एनजाइटी नहीं हो और एक अश्योरेंस मिल जाए यहाँ पे। नाउ ये कुछ बहुत अच्छे पॉइंट्स हैं। प्री एग्जिस्टिंग मोरबिडिटी क्या है हमारे एग्रीकल्चर में, ये यू शुड नो। दीज आर वेरी गुड कीवर्ड्स, यू शुड नो। नाउ क्रिएशन क्वेश्चन अब ये उठता है, द क्रिएशन ऑफ अ बॉयंट एग्रीकल्चर सेक्टर विल टेक मच मोर एंड दोज एफर्ट्स मस्ट बी मेड ऑन अ वॉर फिटिंग। मतलब ये जो एफर्ट्स हैं अभी सेल्फ रिलायंट इंडिया के और ये सारे जो अनाउंसमेंट्स हो रहे हैं एंड ऑल, ये सफिशेंट नहीं है। हमें और कुछ करने की ज़रूरत है और वो भी वॉर फुटिंग पे करने की ज़रूरत है, बिकॉज एग्रीकल्चर भी हमारा वल्नरेबल है, फूड सिक्योरिटी भी वल्नरेबल है। एनालाइज करिए ऑन द बैकड्रॉप ऑफ दिस सेल्फ रिलायंट इंडिया। इस सीरीज़ में हमने काफ़ी सारे स्टेप्स देखे थे, आगे आई विल ऑल्सो शो दिस अगेन। ये बैकड्रॉप ऑफ सेल्फ रिलायंट इंडिया में जो इनिशिएटिव्स लिए हमने, तीन बड़े इनिशिएटिव्स लिए हैं अभी आई विल शो। ये इनिशिएटिव्स अनाउंस हुए हैं फॉर एग्रीकल्चर सेक्टर, तो ट्राई टू एनालाइज कि ये जो हैं ये पेलिएटिव हैं, पेलिएटिव हैं, ये जो रूट कॉज है उसको सॉल्व कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, रिफॉर्म्स आ रहा है या नहीं आ रहा है। आगे एक और आर्टिकल है 1991 से लिंकेजेस, उसमें भी वी कुड लिंक दिस क्वेश्चन। सो होलिस्टिकली ये जो है सफिशिएंट है या नहीं है और क्या अगर यहाँ पे हमें करना चाहिए तो व्हाट वी शुड डू। नाउ द नेक्स्ट इज़ द नीड फॉर अ मिलियन वर्क साइट्स नाउ। ये डेंजर इन द एयर है। पाकिस्तान में अभी एक सिविलियन एयरक्राफ्ट क्रैश हो गया था, बहुत अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट था। दिस टेल्स की नो हाफ मेजर्स एंड ऑल, ये प्रिकॉशंस क्यों इतनी ज़रूरी होती है, सेफ्टी प्रोटोकॉल्स एंड ऑल। एंड एट द सेम टाइम ये रिमाइंडर है कि एविएशन इंडस्ट्री प्रोवाइड्स लिटिल मार्जिन फॉर एरर, लाइफ लिटिल मार्जिन फॉर एरर। देन दिस इज़ अबाउट द नीड फॉर अ मिलियन वर्क साइट्स नाउ। ये बहुत अच्छे यहाँ पे अगेन कीवर्ड्स हैं, दीज कीवर्ड्स आर वेरी गुड फॉर दिस MG NREGA। MG NREGA टॉप मोस्ट स्कीम है, अगर नंबर वन स्कीम देखना है ना तो दैट इज़ MG NREGA। बहुत रेलेवेंट है और बहुत प्रोबेबल है एग्जाम्स एंड ऑल में MG NREGA। तो MG NREGA अगर अपन देखें तो ये क्या है, ये कीवर्ड्स हैं। सपोज इफ़ यू आर राइटिंग वन आंसर, 25 क्वेश्चंस हैं, हमेशा ऐसा होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि टाइम शॉर्ट हो जाता है एंड यू हैव टू राइट वन बिग आंसर एंड यू डोंट यू से हैव वन ओनली 2 to 3 minutes। देन व्हाट यू वुड डू, फॉरगेट इंग्लिश, स्टार्ट राइटिंग कीवर्ड्स। फॉर एग्जांपल इसमें हमें ये अप्रोच फॉलो करना है तो हम क्या करेंगे कि MG NREGA है, वी हैव टू राइट इट क्विकली, सो विल राइट लाइक दिस, दिस इज़ एन इंडियन लेबर लॉ, दिस इज़ फॉर सोशल सिक्योरिटी मेजर, गारंटी राइट टू वर्क करता है, एनहेंस करता है लाइवलीहुड, 100 days का वेज एम्प्लॉयमेंट है फाइनेंशियल ईयर में एवरी हाउस होल्ड के लिए, एडल्ट मेम्बर्स के लिए जो वॉलंटियर करना चाहता है अनस्किल्ड मैनुअल वर्क। ओके,
इसमें हम ड्यूरेबल एसेट्स बनाते हैं, रोड्स, कैनाल्स, पॉन्ड्स, वेल्स एट्सेट्रा। एम्प्लॉयमेंट जो होता है वो 5 किलोमीटर रेडियस ऑफ रेसिडेंस में देना चाहिए। नो वर्क है तो अनएम्प्लॉयमेंट का अलाउवेंसेस देगा, सरकार आपको अलाउवेंसेस देगी। तो इसका मतलब क्या होता है, ये एक लीगल एंटाइटलमेंट है। ये इम्प्लीमेंट होता है बाय ग्राम पंचायत, इसको इम्प्लीमेंट करती है। इकोनॉमिक सिक्योरिटी आती है इससे, रूरल एसेट्स क्रिएशन होता है और एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन भी होता है। विमेन एम्पावरमेंट में ये बहुत हेल्प होता है, ये रिड्यूस करता है रूरल अर्बन माइग्रेशन को भी। ये फोस्टर करता है सोशल इक्विटी, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी को। इसमें बिकॉज कई बार क्वालिटी ऑफ एसेट्स अच्छे नहीं होते हैं, तो मॉनिटरिंग, इवेल्युएशन, ऑडिटिंग, इन सब के प्रोविजंस हैं। कैग की एक ऑडिट रिपोर्ट है, उसमें इसने लिखा कैपेसिटी बिल्डिंग, पब्लिक अवेयरनेस और इफेक्टिव मैनेजमेंट, ये जो नरेगा वर्क है इसमें ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। सो दिस इज़ एमजी नरेगा। नाउ अब माइग्रेंट वर्कर्स को प्रॉब्लम है, पैसे नहीं आ रहे हैं, जॉब लॉसेज हो रहे हैं, वेजेस नहीं मिल रही हैं, तो ह्यूमैनिटेरियन डिजास्टर को अवॉइड करने के लिए ये एमजी नरेगा बहुत यूज़फुल हो सकता है। एक्सप्लोजन होना चाहिए नरेगा वर्क में, बहुत वर्क लाइए यहाँ पे अगले कुछ हफ्तों में, तो ये ह्यूमैनिटेरियन डिजास्टर अपन बाईपास कर देंगे। सम सपोर्ट फ्रॉम PDS है बट वो इनसफिशेंट है। जो अनप्रेसिडेंटेड डिमांड आया है, अनप्रेसिडेंटेड डिमांड नरेगा वर्क उसको फुल कर सकता है। स्विच टू कैश पेमेंट अगेन किया जाना चाहिए, ये पॉसिबिलिटी है। इंक्रीज करें नरेगा का बजट भी, प्रोवाइड करें वर्क अप्लेंटी, खूब सारा काम दें उन्हें। सीधा पैसा देने के बजाय काम देना चाहिए ताकि उनको भी एक डिग्निटी रहे कि हमने काम से ये पैसा कमाया है। पे वेजेस एट स्पीड, तुरंत इनको पैसे रिलीज करें, बिकॉज दिस इज़ अ मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ, ऐसा यहाँ पर इन्होंने ये केस प्रेजेंट किया है। नाउ ये आर्टिकल है, दिस अगेन ट्राई टू थिंक दैट क्वेश्चन इन दिस आर्टिकल के बैकड्रॉप में भी, आर्टली द 1991 मोमेंट फॉर एग्रीकल्चर। हमें जब भी रिफॉर्म की बात आती है हमें सीधा 1991 का साल याद आता है, बिकॉज इसमें लिबरलाइजेशन हुआ, प्राइवेटाइजेशन हुआ, ग्लोबलाइजेशन हुआ और इंडिया के लिए ये गेम चेंजर बना। सेल्फ रिलायंट इंडिया में बहुत सारे रिलीफ देने थे सरकार को, बट सरकार बहुत स्मार्टली एक्ट किया और बहुत ज़्यादा उसने रिफॉर्म्स भी ले आए। एग्रीकल्चर में 3 बड़े रिफॉर्म्स आए हैं, एक है APMC एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी एक्ट में, और एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में, और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में। इन 3 में बड़े रिफॉर्म्स हैं। तो ये एग्रीकल्चर का, दिस वॉज द क्वेश्चन, एग्रीकल्चर सेक्टर में जो है ये रिलीफ बैकड्रॉप में इनिशिएटिव है, इसको एनालाइज करना है। ट्राई टू एनालाइज दीज 3, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कंपनी, एसेंशियल कॉमोडिटी एक्ट और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। ये एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स पेलिएटिव हैं या फिर ये सही में कोई बहुत बड़ा चेंजेस लाएंगे, जैसे ये 1991 का LPG लेके आया था। वी कवर्ड दिस इन दिस, आई हैव शेयर्ड दिस PDF ऑल्सो इन टेलीग्राम, हैव अ लुक कि ये अमेंडमेंट एसेंशियल कॉमोडिटी एक्ट में क्या हुआ है, डीरेगुलेट किया है सर्टन चीज़ों को, देन एग्रीकल्चर मार्केटिंग रिफॉर्म्स में इन्होंने क्या बात किया है, एक सेंट्रल लॉ लाने का बात है यहाँ पे। देन ये हमने 22nd ऑफ मे को पढ़ा था कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग क्या होती है और ये बेनिफिट कैसे करती है फार्मर्स को, उड़ीसा में क्या यहाँ पे नया किस तरीके से ये लगा रहे हैं, हैव अ लुक 22nd ऑफ मे और ये सेल्फ रिलायंट इंडिया। नाउ APMC जो है ये बैरियर्स क्रिएट कर रही है टू द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ ट्रेडर्स, इसलिए इसको लेस लिबरल होना चाहिए। APMC काफ़ी प्रॉब्लम भी है, जैसे ये प्लेग है मार्केट इंफ्रा, तो इसमें लोअर प्राइस डिस्कवरी होती है। किसान एक अपनी फसल लेके जा रहा है, उसको पर्याप्त पैसा, सफिशिएंट पैसा नहीं मिल रहा है उसके लिए, कंटिन्यू टू बी विलीफाइड, दैट इज़ वाई ये विलीफाइड है। यहाँ एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा है, दिस इज़ अ कॉज ऑफ वरी। यहाँ कुछ स्कीम्स हैं जैसे काफ़ी स्टेट्स हैं उन्होंने डायरेक्ट मार्केटिंग ऑफ फार्म प्रोड्यूस का कुछ इनिशिएटिव्स लिए हैं। नो द नेम ये है, जैसे उझावर संधाई दैट इज़ तमिलनाडु, रियुतु बाजार का है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में है, रायता सांथे ये कहाँ है कर्नाटका में है, और अपनी मंडी कहाँ है पंजाब में है, कृषक बाजार इज़ इन उड़ीसा। रिमेंबर द नेम उझावर संधाई, रियुतु बाजार, दिस इज़ रायता सांथे, दिस इज़ अपनी मंडी एंड दिस इज़ कृषक बाजार इन उड़ीसा। तो स्टेट्स भी ऐसे इनिशिएटिव लिए हैं APMC के जो इल्स हैं उसको कम करने के लिए। प्रॉब्लम जो ये आ रही है वो ये है, सरकार सारा काम कर रही है सप्लाई साइड को इम्प्रूव करने के लिए, बट वेयर इज़ द डिमांड। हमने ये कल भी देखा था, बैंक्स को NPA प्रोवाइड का रिलैक्सेशन दे रहे हैं कि आप डरो मत, CBI दिस आपके पीछे नहीं है, CVC एंड ऑल, आप जस्ट लोन पास करो, पैसे आ जाएंगे, लिक्विडिटी आ जाएगा
रेपो रेट रिवर्स रेपो रेट भी कम कर दिया, मतलब लिक्विडिटी है, सप्लाई साइड इम्प्रूव कर दिया, बट वेयर इज़ द डिमांड? ये पैसे आएंगे तो ये पैसे जाएंगे कहाँ? डिमांड तो है ही नहीं. सो डिक्लाइन इन डिमांड है, डिक्लाइन इन कॉमोडिटी प्राइस है. वेयर इज़ दिस एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी? मार्केट में होनी चाहिए. अगर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी नहीं है तो वो फ्लड हो जाता है पैसे से, मार्केट उसको यूटिलाइज नहीं कर पाता है. रीसेंट रिफॉर्म्स नथिंग बट अ स्मोक स्क्रीन टू डिफ्लेक्ट अटेंशन फ्रॉम कोर इशू. ये यहाँ पे ऐसा क्रिटिसिज्म है इसका. गवर्नमेंट नीड्स टू इंक्रीज फिस्कल स्पेंडिंग और डिमांड क्रिएट करने पर भी अभी हमें एम्फेसाइज देना चाहिए. देन ये बात है कि जो कोर्ट है, कोर्ट को इन माइग्रेंट वर्कर्स की बात सुननी चाहिए और यहाँ पे इनको अपने ड्यूटी परफॉर्म करके इनको सेफगार्ड ज़रूरी है. आज मंडे है तो आज AS पनीर सेल्वन जी का आर्टिकल आता है. ये है फ्रॉम द रीडर्स एडिटर. एक्सेलेंट इनके पॉइंट्स होते हैं एथिकल एंगल एंड ऑल में. वेरी वेरी गुड पॉइंट्स. ये इन्होंने लिखा है, स्पीकिंग द ट्रूथ इज़ द रोल ऑफ द फोर्थ एस्टेट. सच बोलना फोर्थ एस्टेट का काम होता है. बींग अ मेगाफोन नहीं होना चाहिए फॉर प्रोपोगेंडा रन करने के लिए सरकार के लिए. इज़ द रोल ऑफ फिफ्थ कॉलम. तो अंडरस्टैंड द डिफरेंस, वॉट इज़ फिफ्थ कॉलम एंड वॉट इज़ फोर्थ एस्टेट. फोर्थ एस्टेट मतलब दिस मीडिया एंड ऑल है, ये सच बताएगा, लोगों को बताएगा ये चल रहा है अभी देश में. और फिफ्थ कॉलम क्या होगा? ये सरकार का एक मेगाफोन हो जाएगा, सरकार और एनीबडी एल्स मेगाफोन फॉर प्रोपोगेंडा रन करेगा यहाँ पे. तो दोनों में डिफरेंस है. इंफॉर्मेशन इकोलॉजी है, सोशल मीडिया है, फेसबुक एंड ऑल, गूगल इतना सारा, ट्विटर इतना मीडिया जनरेट हो रहा है, देन जर्नलिज्म भी है. ये तीनों का अभी यहाँ पे बैलेंस बनाना ज़रूरी है. सोशल मीडिया में क्या होता है, इसको सोशल मीडिया को यूज़ करते हैं टू मैनेज हेडलाइंस, एम्पलीफाई करते हैं मिस इन्फॉर्मेशन को, फेक न्यूज़ को. आप देखो अचानक कभी ट्विटर में ट्रेंड चलना लग जाएगा, फेसबुक में एक सर्टेन काइंड ऑफ पोस्ट आने लग जाएंगे, व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स आ जाएंगे बहुत सारे. कई बार इसको मिसयूज़ किया जाता है सोशल मीडिया को टू एम्पलीफाई मिस इन्फॉर्मेशन. ये जो हाइपर नेशनलिस्ट रेटोरिक है, मैस्केराडिंग एज न्यूज़, मतलब नकल कर रहा है, ये न्यूज़ का इम्पोस्टर है. हाइपर नेशनलिस्टिक रेटोरिक मैस्केराडिंग एज न्यूज़, वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग. हमें मैच्योर बनने की ज़रूरत है एज अ व्यूअर. हाइपर नेशनलिस्टिक रेटोरिक मैस्केराडिंग एज न्यूज़, डिफरेंस होता है जर्नलिज्म में और प्रोपोगेंडा में. और ये सब अब चॉइस होती है व्यूअर्स की. अल्टीमेटली व्यूअर्स पे डिपेंड करता है कि वो किस चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं. गार्बेज इन गार्बेज आउट, गुड इन गुड आउट. व्यूअर्स करते हैं वॉट यू एनकरेज. सो इट्स अप टू यू वॉट यू वॉच अप. क्या वॉच कर रहे हो, क्या आप एनकरेज कर रहे हो, कैसा कंटेंट प्रमोट कर रहे हो, देन जो कंटेंट आप प्रमोट करोगे, जो ज़्यादा वॉच करोगे वही ग्रो होगा, जो नहीं करोगे वो फेज आउट हो जाएगा. सो दैट इज़ वाई यूजर्स मैच्योरिटी एंड चॉइस बहुत मैटर करती है इस चीज़ में. जैसे डेमोक्रेसी में NCERT में हम पढ़ रहे हैं ना, जैसे लोग होते हैं वैसे ही उनका लीडर होता है. तो अगर लीडर अच्छे रखते हैं तो हमें लोगों को अच्छा बनाना पड़ेगा, बिकॉज डेमोक्रेसी में पावर कहाँ पे होती है, पीपल के पास में होती है. आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन, ये 9th और 10th की जो NCERT है ना, दे आर वेरी वेरी गुड विद दिस कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी. जो छोटी छोटी अंडरस्टैंडिंग होती है ना, बहुत ब्यूटीफुली वहाँ पे एक्सप्लेन्ड है ये. सो दिस इज फोर्थ एस्टेट इन द फिफ्थ कॉलम. अब जो नेक्स्ट है, दैट इज अग्रेसिव PLA फ्लाउट्स प्रोटोकॉल. नो ट्रूप्स डिटेन्ड बाय चाइना, आर्मी ने कहा. एग्रेसिव PLA फ्लाउट्स प्रोटोकॉल. अगेन यहाँ पे कोई न्यूज़ आया नहीं था और ऐसे सोशल मीडिया में पोस्ट होने लग गया कि ट्रूप्स यहाँ पे डिटेन हो गई है. तो दिस ब्रेक द मोरल, ये हर्ट करता है नेशनल इंटरेस्ट को. सो दैट इज़ वाई वी शुड अवॉइड पासिंग ऑन सर्टेन. इस टाइप के स्टेटमेंट्स नहीं देना चाहिए, बिकॉज वो वेरीफाइड नहीं है एंड वी डोंट नो द ट्रूथ. वेरासिटी हमें पता नहीं है. सो वी शुड ट्राई अवॉइड सच टाइप ऑफ थिंग्स. यहाँ पे उन्होंने फिर क्लियर किया यहाँ पे. मीन वाइल चाइना पे हम बहुत नज़र बैठा के रखे हुए हैं, उसकी हर एक्टिविटी मॉनिटर कर रहे हैं और ये ज़रूरी भी है. इंडिया चाइना बॉर्डर फ्लेयर अप. हमने देखा ये बॉर्डर इशू LAC का देखा था, लद्दाख अरुणाचल, ये पिछले 3-4 डेज में हमने बहुत एक्सटेंसिवली चाइना कवर किया है. लेटेस्ट टेंशन हुए, शी जिनपिंग डॉक्ट्राइन आया. चाइना जो LAC है वो प्रॉपरली डीमार्केटेड नहीं है और वहाँ पे अपनी प्रेजेंस बढ़ाने की कोशिश कर रहा है और इसके कारण इंडिया और अभी इंडिया और दिस चाइना में काफ़ी ज़्यादा अभी टेंशन्स क्रिएट हो रहे हैं बॉर्डर पे. नाउ स्टैंड ऑफ डिफरेंट फ्रॉम द यूजुअल समर्स स्कर्मिशेस. अगेन यहाँ पे ऐसा लिखा है कि जो पहले भी ऐसे स्कर्मिशेस हुए हैं बट इस बार थोड़ा टोन चेंज है उसका. कॉज्ड बाय डिफरिंग परसेप्शंस के कारण है. रिपोर्टिंग रेस्पॉन्सिबल होने की ज़रूरत है. सैटेलाइट इमेजेस हमने देखी तो काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट हो रहा है, डिप्लॉयमेंट हो रहा है बॉर्डर पे, मूवमेंट शो कर रहा है. ये जो एरिया है ये है लद्दाख में पैंगोंग सो लेक, दिस इज़ गलवान नाला और देमचौक में, एंड वन एट नाकुला पास इन सिक्किम में. यहाँ पे स्कर्मिशेस हो रहे हैं. इंडियन सोल्जर्स कुछ इंजर्ड भी हुए. न्यूअर एंड इंक्रीज नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं, ये फ्लैश पॉइंट्स अब बढ़ते जा रहे हैं.
इसका बहुत सारे रीजंस अब जो एनालिस्ट हैं वो ट्राइंग टू फाइंड आउट कि ये रीज़न क्या है, चाइना का अचानक से इसका टोन इतना चेंज क्यों हो गया है। पहले COVID-19 में सी चाइना का एंगल काफ़ी क्वेश्चन उठा, फिर US के साथ ट्रेड वॉर है, साउथ चाइना सी में एग्रेसिव है, BRI को वो काफ़ी ज़्यादा एम्फेसाइज कर रहा है, अभी हांगकॉन्ग में उसने लेजिस्लेशन चेंज करके ज़्यादा वहाँ पर इंटेल लेना चाहता है वो वहाँ पर, देन नेपाल एंड देन दिस पाकिस्तान, सबसे प्रॉक्सिमिटी इसकी चाइना की इंक्रीज़ हो रही है। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि ये चाइना क्या ट्राई कर रहा है। एक्सपर्ट्स हैं, इनके डिफरेंट कमेंट्स आते हैं, मिलिट्री एंड डिप्लोमेटिक पार्ले सिचुएशन अभी जो है वो हमें डिफ्यूज़ करने की ज़रूरत है, चाइना इज चेंजिंग, वी नीड टू स्टे अलर्ट, चाइना बहुत ज़्यादा अभी अग्रेसिव भी हो रहा है यहाँ पे, वी नीड टू स्टे अलर्ट। देन दिस इज प्रोजेक्ट्स इन सेंसिटिव एरिया, ये मिस्टर जयराम रमेश है, इन्होंने अभी अगेन यहाँ पे बताया, जो हमारे MOEF मिनिस्टर हैं मिस्टर जावड़ेकर को लेटर लिख के, कि एनवायरमेंटल कंजर्वेशन और ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इसमें हमेशा टसल चलता है, प्रोजेक्ट बनाना है, डैम्स बनाना है, रोड्स बनाना है, और वो पास होगा फॉरेस्ट से तो उससे दिस कंजर्वेशन एफर्ट हैम्पर होते हैं, बट हमें ग्रोथ भी करना है, तो दोनों में बैलेंस बनाना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। इसीलिए आता है EIA 2020। EIA क्या है? एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट। अगर आपने कोई एक्टिविटी किया, डैम बनाया, रोड्स बनाया, इंडस्ट्रीज बनाई, तो आप असेस करोगे कि उसका एनवायरनमेंट पे क्या इम्पैक्ट पड़ा। दिस इज़ EIA 2020, इसमें मैंडेटरी है। कपल ऑफ डेज बैक हमने इसे बहुत डिटेल में देखा था, दिस EIA 2020 प्रपोजल्स क्या हैं। अब यहाँ जो उन्होंने सवाल उठाए हैं वो ग्रीन क्लियरेंस के उठाए हैं। अब ये जो नाम आया ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे नाम यू शुड नो और वेयर दे आर। दिबांग वैली कहाँ पर है? टेल दिबांग वैली कहाँ पर है? ये देहांग पटकाई एलिफेंट रिजर्व है, यहाँ पे कोल माइनिंग का प्रोजेक्ट है जिसके क्लियरेंस पे अभी क्वेश्चन उठे हैं। फिर ये हाईवे थ्रू भगवान वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये कहाँ पर है? गोवा में है। देन ये लाइमस्टोन माइन का है, गिर नेशनल पार्क गुजरात में। ये चार जगह अभी इन्होंने यहाँ पर हाईलाइट किया है, जो अभी यहाँ पर एनवायरमेंटल कंजर्वेशन, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बीच में टसल चल रहा है यहाँ पे। देन दिस इज एफिकेसी ऑफ आयुर्वेदा। आयुर्वेदा में ह्यूज पोटेंशियल है, बहुत प्रॉमिसिंग है, ट्रेडिशनल मेडिसिन है, इनहेरिटेंट स्ट्रेंथ है इसमें, हॉलिस्टिक हीलिंग और वेलबींग का भी, जड़ से चीज़ों को ये उपचार करती है हॉलिस्टिक हीलिंग और वेलबींग में। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष होती है, आयुर्वेदा, योगा, नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा और होम्योपैथी, ये है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। बट ये बात है कि अगर हम ऐसे कुछ क्लेम्स करते हैं से COVID-19 के बिहाफ में एंड अदर, वी नीड टू बैक दोज क्लेम बाय क्लिनिकल ट्रायल्स, साइंटिफिक बैकिंग होना ज़रूरी होता है। देन दिस इज़ हावड़ा बॉटनिकल गार्डन। हावड़ा का बॉटनिकल गार्डन, अभी साइक्लोन अम्फन आया, तेज़ हवा चलती है, काफ़ी डैमेज हुआ है यहाँ पे, ग्रेवयार्ड ऑफ ट्रीज हो गया ये। इंडियन बॉटनिकल गार्डन है, जेसी बोस के नाम पे है ये, 1787 में एस्टेब्लिश हुआ था, 273 एकड़ का है। यहाँ पे कमर्शियल कल्टीवेशन जो होता है महोगनी और रबर का, वो पहली बार यहीं पर हुआ था, फर्स्ट इंट्रोड्यूस हुआ था। यहाँ पे 250 ईयर ओल्ड एक ग्रेट बनियान ट्री है, वो फॉर्चुनेटली अभी सर्वाइव किया है इस अम्फन के ऑनस्लॉट को। देन दिस इज़ एजुकेशन प्लस पी फॉर पैंडेमिक। एजुकेशन सिस्टम जो स्कूल्स है एंड ऑल, काफ़ी यहाँ पे टर्बुलेंट चल रहा है टाइम बिकॉज ऑफ दिस COVID-19। नोवल शिफ्ट है स्कूलिंग एंड एजुकेशन में, स्कूल फ्रॉम होम का कल्चर है, वर्क्स ऑन प्रिजम्पशन। जो स्कूलिंग फ्रॉम होम है, ऐसा बोला जाता है कि इंटरनेट है, कंप्यूटर है, तो आप घर पे भी पढ़ाई करवा सकते हो, मोबाइल है आपके पास, इंटरनेट एंड ऑल। इसमें ये प्रिजम्पशन होता है कि हर घर में वो माहौल मिलेगा जो पढ़ाई के लिए ज़रूरी है, सेम कैपेसिटी टू मेक एडजस्टमेंट टू अकोमोडेट स्कूल। फॉर एग्जाम्पल, यू आर वॉचिंग दिस वीडियो, साइमल्टेनियसली आप TV भी चल रहा है, देर आर अदर डिस्ट्रैक्शंस ऑल्सो गोइंग ऑन, तो सेम लेवल ऑफ कॉन्सेंट्रेशन हो पाएगा क्या? सेम लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग होगी या नहीं होगी? एट द सेम टाइम अगर आप क्लासरूम में बैठे हो, यहाँ पे 10 बच्चे हैं, सब आपस में बैठे हैं, आई एम स्टडी टीचिंग ओवर हियर, तो इसमें अंडरस्टैंडिंग बेटर होगी नहीं होगी? तो वी नीड टू अंडरस्टैंड, हर घर में ऐसा पॉसिबल नहीं होगा, कुछ घर में उनके पास फैसिलिटी है तो उनको आइसोलेटेड प्लेस मिलेगा, कॉन्सेंट्रेशन से वो देख रहे होंगे इस वीडियो को, बट एवरीवेयर इट इज़ नॉट पॉसिबल। देन लाइवली क्लासरूम्स जो होते हैं वो यहाँ पे मिस होते हैं, इसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। तो ये सिचुएशनल ट्रायज भी आता है यहाँ पे, बच्चे जो होते हैं ये अक्सर पेरेंट्स, चाइल्ड और टीचर, इन दोनों के बीच में ये फंस जाते हैं। नेचुरल इंटरेस्ट और इंक्लिनेशन है, ये इनका नहीं उभर पाता है, दे आर बिकॉज वर्किंग अंडर प्रेशर। यहाँ पे बात है, वाई नॉट लुक अपॉन अ ब्रेक फ्रॉम स्कूल एंड स्कूल वर्क, ये एक अपॉर्चुनिटी है चिल्ड्रन के लिए, ज़्यादा सेल्फ डायरेक्टेड हो टू देयर लर्निंग। एक होता है सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग, मतलब खुद से देखना खुद का इंक्लिनेशन कहाँ हो रहा है और उसके हिसाब से लर्निंग करना, बजाय एक सिस्टमेटिक, एक फिक्स्ड सिलेबस दे दिया है हर स्टूडेंट के लिए,
उसके बजाय सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग भी एक तरीका होता है, तो हम इसको क्यों ना एक्सप्लोर करें अभी। जैसे कि चिल्ड्रन में लर्न टू कुक, नेट गार्डन, इंस्ट्रूमेंट प्ले करना, चेस, मैजिक, यूट्यूब से देख सकते हैं मूवीज़, वीडियो गेम्स, स्टोरीज़, लिखना, राइटिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं, गेम्स, रीड बुक्स, डिज़ाइन रोबोट्स, ये सारी वो चीज़ें कर सकते हैं डे में। इसकी एंडलेस पॉसिबिलिटी है सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग की। देन यहाँ पे बातें उनको प्रेशर से फ्री करना ज़रूरी है। ये अभी अनफॉर्चुनेट सर्कमस्टेंसेज हैं, COVID-19 कलेक्टिव पॉज है, लाइफ हमारी थम गई है। अब जब थम ही गई है तो अभी हमें को काफ़ी टाइम मिला है इंट्रोस्पेक्शन एंड ऑल करने का, तो अब हम जब इसको वापस स्टार्ट करें तो हम इसको राइट गियर राइट नोट में स्टार्ट करें। ये हमारे पास यूनिक अपॉर्चुनिटी है, कलेक्टिव रिफ्लेक्शन हो अबाउट अवर एजुकेशनल सिस्टम। बिकॉज हम लोग क्या करते हैं, हम एक ऐसी जनरेशन बनाते हैं जो बिल्कुल रॉट लर्निंग है या फिर वो रोबोट्स की तरह काम कर रहे हैं, ये क्रिएटिविटी कहीं ना कहीं ऐसे पीछे छूट जाती है। सो ये चीज़ हमें अभी ध्यान रखनी है। पी फॉर पैंडेमिक है, बट अगेन ये एक अपॉर्चुनिटी भी है। सेकेंड जो चीज़ है वो है, आर यू ऑन डिजिटल ओवरड्राइव? बहुत ज़्यादा ये जो डिजिटल स्क्रीन एंड ऑल होता है ना, दैट इज़ नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। ये आपकी साइकोलॉजी के लिए भी अच्छा नहीं है, इससे आंखें भी खराब होती है, नियर साइटेडनेस आता है, मायोपिया होता है। तो दैट इज़ वाई T20 रूल फॉलो करना है आप सभी को। हर 20 मिनट में लुक एट समथिंग से 20 फीट अवे फॉर 20 सेकेंड। इससे क्या होता है, आईज़ हमारी लुब्रिकेटेड रहती है और ये मायोपिया जैसा है, जिसे नियर साइटेडनेस हो जाती है, दूर का दिखना बंद हो जाता है, चश्मा लगाना पड़ेगा। तो वो चीज़ों से आप थोड़ा खुद को सेफ गार्ड कर सकते हो। तो ऑलवेज फॉलो दिस T20 रूल। देन दिस इज़ बैक टू वैदिक एज, आर यू इन डिजिटल ओवरड्राइव? दिस इज़ शोकेज, दिस इज़ वर्ल्ड न्यूज़। वर्ल्ड न्यूज़ में चाइना इज़ अगेन देयर, US पुशिंग रिलेशंस टू द ब्रिंक ऑफ न्यू कोल्ड वॉर, चाइना ये बोल रहा है। वुहान इंस्टीट्यूट ने डिनाई किया लिंक्स टू SARS-CoV-2 वायरस, अगेन चाइना इज़ देयर। हांगकॉन्ग, चाइना इज़ टाइटनिंग ग्रिप। चाइना बहुत ज़्यादा एग्रेसिव भी हो रहा है, इसका एक रीज़न ये भी बताया जा रहा है बिकॉज चाइना थोड़ा बैकफुट पे आ रहा है। और ऐसा मिलिट्री में बोलते हैं, सी आई वॉज इन NCC, तो वहाँ पे हमारे जो मैंने सी सर्टिफिकेट किया है ए ग्रेड, वहाँ पे जो CO थे हमारे, वो बताते थे कि अगर ओवरटली एग्रेसिव हो रहा है एनिमी, इसका मतलब वो थोड़ा वीक है। चाइना अभी थोड़ा कॉर्नर हो गया है, दैट इज़ वाई वो ध्यान भटकाने के लिए यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एग्रेशन दिखा रहा है LAC में। दिस इज़ वन थ्योरी, ऐसा भी हो सकता है। नाउ इसराइल में मीनवाइल नेतन्याहू, लिकुद पार्टी है, बेनी गैंट्स, इन दोनों ने मिलके कोलिशन किया। तीसरी बार भी एक क्लियर यहाँ पे रिजल्ट्स नहीं आए थे, तो उन्होंने ऐसे यहाँ पे बना लिया अपना गवर्नमेंट। ये कोलिशन गवर्नमेंट फॉर्मेशन है, ये ग्राफ्ट चार्जेस हैं इन मिस्टर नेतन्याहू पे, दिस करप्शन एंड ऑल के चार्जेस भी हैं। अफगानिस्तान की बात करें तो यहाँ पे अशरफ गनी और अब्दुल्ला अब्दुल्ला ने जॉइन हैंड्स किए हैं, पावर शेयरिंग एंड ऑल स्टेबिलिटी का ये ट्राई कर रहे हैं वहाँ पे। नॉर्थ कोरिया में मिस्टर किम जोंग उन वापस आ गए हैं, ये बता रहे हैं कि न्यूक्लियर डिटरेंस बहुत ज़रूरी है बिकॉज USA इनके लिए एक थ्रेट है। देन दिस इज़ अबाउट मनी वाइज, यहाँ पे बात है डेट म्यूचुअल फंड्स टू कैरी रिस्क। डेट म्यूचुअल फंड्स टू कैरी रिस्क, म्यूचुअल फंड्स जो होते हैं ये इक्विटीज़ में से इन्वेस्टमेंट का एक टूल होता है। यहाँ पे ये म्यूचुअल फंड्स होते हैं, डेट म्यूचुअल फंड्स भी होते हैं। अगर डेट लग गया है ना, मतलब ये इन्वेस्ट कर रहे हैं डेट पेपर में। डेट पेपर्स जैसे नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, कॉरपोरेट बॉन्ड्स, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। हम इकोनॉमी स्टार्ट करेंगे तो विल रीड ऑल दीज थिंग्स इन डिटेल, बट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि ये जो डेट म्यूचुअल फंड्स होते हैं ये थोड़े सेफ होते हैं इन इक्विटी से, बट यहाँ पे भी एक रिस्क पैटर्न होता है यहाँ पे। तो डेट म्यूचुअल फंड्स टू कैरी रिस्क। देन दिस इज़ फ्रेश लीक्स ऑफ पर्सनल डिटेल डिटेक्टेड ऑन डार्क वेब। ये जो नेट होता है, हम गूगल से हम चीज़ें देख लेते हैं, तो ये अवेलेबल नेट है। एक डार्क वेब भी है जो नॉर्मली हमें ब्राउजर सर्चर्स इनसे हम नॉर्मल से एक्सेस नहीं कर पाते हैं, और यहाँ ये बहुत सारा एक्टिविटी होता है। सी आधार कार्ड अभी यहाँ पे लीक हो गए हैं डार्क वेब में। सो टुडे वी रेड अबाउट दिस डेट म्यूचुअल फंड्स। वर्ल्ड में चाइना एम्फेसाइज किया हमने, डिजिटल ओवरड्राइव, T20 रूल सबको फॉलो करना है, पी फॉर पैंडेमिक, देन हावड़ा का बॉटेनिकल गार्डन, एफिकेसी ऑफ आयुर्वेदा, ये सारे नाम याद रखिए, दिबांग, देहांग पटकई एलिफेंट रिजर्व, हाईवे थ्रू भगवान वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और लाइमस्टोन माइन इन गिर नेशनल पार्क, ये न्यूज़ में है अभी। देन दिस इज़ एग्रेसिव PLA फ्लाउट्स प्रोटोकॉल, चाइना बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो रहा है। चीफ ने भी कहा था बीहेस्ट ऑफ समवन, चीफ ने कहा था अभी नेपाल भी एग्रेसिव हो रहा है ऑन बीहेस्ट ऑफ समवन, दैट समवन इज दिस। देन दिस इज़ फोर्थ एस्टेट एंड द फिफ्थ कॉलम, वेरी गुड आर्टिकल। इन तीन पे आप आंसर इस पे बेस रखिएगा, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट, APMC रिफॉर्म्स और दिस कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, ये तीन बड़ी चीज़ें अभी अनाउंस हुई थी। देन दिस इज़ अबाउट द नीड फॉर अ मिलियन वर्कसाइट नाउ,
लेबर लॉज एंड ऑल. दिस इज़ अबाउट द क्रिएशन ऑफ बॉयंट एग्रीकल्चर, क्वेश्चन देखा हमने फॉर फार्म्स एंड फार्मर्स. ये सारा होता है ई कॉमर्स, और इसमें एक नया प्लेयर आया है जियो मार्ट. देन दिस इज़ COVID-19, ग्रीटिंग्स फॉर ईद उल फितर. ये है COVID-19 इंडिया नाउ इन टॉप 10. ये बहुत ज़्यादा वरीजम डेवलपमेंट हो रहा है. देन फ्लाइट्स एंड हेल्थ कब्स कुड एयरलाइन ऑपरेशन. सो दिस इज़ 25th of May 2020, 25th of May 2020. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. टेक केयर, स्टडी वेल एंड बी सेफ.